तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो पिछले 2 दिनों से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया था, वो इसलिए कि रीज़न ये था कि मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जा रही ना, पता नहीं इस बार क्या ही हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तो मैं ठीक हूँ। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ अपने घर से आने वाले रास्ते पे, तो रास्ते से ही व्लॉग शूट कर रही हूँ और देखते हैं आज के व्लॉग में क्या होगा। अभी तो कुछ ऐसी अपडेट है नहीं कि क्या होगा। और फिलहाल मौसम की बात करें तो एकदम कोहरा लगा हुआ है पहाड़ों की तरफ, और दिखाऊंगी मैं आपको कि पहाड़ों का वेदर कैसा हो रहा है। मतलब बारिश तो कमी हो रही है फिलहाल, तो चलते हैं और दिखाएंगे और क्या होता है आज। और गाड़ी की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, मतलब सर्विसिंग मांग रही है क्योंकि आजकल ऑफ रोडिंग ज़्यादा हो रही है ना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अभी। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है और आप ये सिंबल देख सकते हैं ना, तो ये सर्विसिंग मांग रही है क्योंकि आजकल रास्ते ना पूरे आजकल ऑफ रोडिंग ही हो रही है, क्योंकि कभी फील्ड में जाना है और कभी बारिश से रास्ते खराब हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी हो रही है गाड़ी की कंडीशन, तो देखते हैं कब इसको ठीक कराएंगे। ले जानी है अभी ये वहाँ, मतलब सर्विसिंग के लिए देनी है, तो देखते हैं कब बनता है इसका। और इसके साथ साथ ही मौसम की बात करते हैं, तो पहाड़ों का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है अभी, एकदम धुंध हो रही है और कोहरा। मतलब सुबह तो बहुत ज़्यादा कोहरा था लेकिन अभी थोड़ा कम हो चुका है। तो रात को बारिश हुई थी हल्की सी, लेकिन फिर से धूप आ चुकी है। लेकिन पहाड़ों में मतलब ना बहुत टाइम से धूप है, मतलब जैसे बरसात के दिन है ना, तो बरसात अच्छे से नहीं हो पा रही है यहाँ के एरिया की बात करूँ। तो चलते हैं फिर आगे और दिखाती हूँ कैसी हो रही है रोड की कंडीशन, थोड़ा सा आपको रोड ट्रिप भी कराते हैं। तो रोज की तरह रेडी हो चुकी हूँ मैं और चलते हैं फिर, क्योंकि पहाड़ों में बिना टू व्हीलर के तो काम नहीं चलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना होता है। और साथ में ये तो है ही, मतलब बहुत साथ दिया है इसने जब से लिया है, तो मतलब कभी धोखा नहीं दिया है मेरे को। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अकेले रहो कहीं भी रहो, बस अकेले मैं इससे सफ़र करती हूँ। तो चलते हैं फिर आगे और रोड ट्रिप दिखाऊँगी कि कैसी हो रही है हमारे घर वाली रोड। बिल्कुल ऑफ रोडिंग हो गई, मतलब जगह जगह ऐसे रोड़े होड़े आ गए ना, तो उसकी वजह से भी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। तो थोड़ा सा रोड ट्रिप कराते हैं और फिर आगे को देखते हैं आज क्या होता है। तो चलिए फिर। अभी लोकल मार्केट पहुंच चुकी हूं और ये था बैंक, तो बैंक का काम कर लिया। अब जाना है ऊपर एटीएम में, तो वो वाला काम कर लेते हैं। मेरा एटीएम का भी काम हो चुका है, तो फिर निकलते हैं अब आगे ऑफिस के लिए। पहुंच चुकी हूं मैं अपनी यूनिट में और आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लेट हो गया, 12 बज गए। तो आज मैं यूनिट में रह के काम करूंगी, थोड़ा सा मेरा काम है और थोड़ा सा मेरे को हेल्प करना है, तो वो काम हम कर लेंगे। तो फिर अभी अंदर थोड़ा सा ना वॉइस आ रही है, तो उससे पता नहीं चलेगा। तो मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, और जो होगा वो मैं आपको अपडेट दूँगी। क्योंकि 2 दिन ब्रेक हुआ है ना, तो उसका रीज़न यही था कि तबीयत भी ठीक नहीं थी। और ना मतलब पहाड़ में मतलब इतना वायरल फीवर चल रहा है हर जगह, तो सारे लोग बीमार पड़े हैं पहाड़ों में भी, तो ऐसी हो रहा है। तो इसी रीज़न से मैंने व्लॉग नहीं डाला था, तो फिर आज कंटिन्यू करूँगी इस व्लॉग को। तो फिर चलिए बने रहिए। और समय का पता भी नहीं चलता है, और मैं मिल रही हूँ आपको शाम के 4:45, मतलब 15 मिनट बाद हम निकल जाएंगे। तो दिन भर काम ही हो जाती है, तो फिर मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं, तो मैं आपको शाम के टाइम पे मिल रही हूँ। थोड़ा सा टाइम मिला और मैंने एक देखो बुक पढ़ी, मतलब ये आधी पढ़ी है, इसको घर लेके जा रही हूँ। तो कुछ कुछ जैसे खाली टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना चाहिए, तो प्रेमचंद का बाल साहित्य है, ऐसे मतलब कुछ कुछ किताबें मैं कभी कभी पढ़ती हूँ। तो ये मैंने जो आधी किताब
पढ़ी है, ये है मालगुड़ी का आदमखोर। तो इस किताब को अभी पूरा पढ़ना है, तो इसको मैं आज लेके जाऊंगी। तो फिर अब थोड़ा सा मतलब ऑफिस क्लोज करने का टाइम भी हो गया है और थोड़ा बहुत दिन का मेरा काम भी हो गया, तो मैं फ्री टाइम पे ही वीडियो शूट करती हूँ। तो फिर देखते हैं और क्या होता है, तो निकलते हैं फिर अभी थोड़ी देर में। यहाँ हूँ तो अब टाइम हो रहा निकलने का, तो मैं ले जा रही हूँ अपने साथ शांति दी को। मतलब आजकल का रूटीन ना, सुबह घर से आओ, ऑफिस जाओ, बस ऐसे में ही टाइम निकल जा रहा है सच में। और मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन एक दो दिन में थोड़ा अच्छा सा देखते हैं, व्लॉग स्टार्ट करेंगे। और ऐसे हो रहा है, फिर अब मैं आपको घर मिलूंगी ना, क्योंकि सुबह आते वक्त भी मैंने ऐसे यहाँ से थोड़ा सा रोड ठीक है, फिर वही ऑफ रोडिंग और ये सब होने लगता है। तो आ रही है शांति दी, फिर निकलते हैं हम भी। और ये देखो शाम के नज़ारे को जैसे हो रहे, तो शाम ही होने वाली है अभी, लगभग 5:30-6 बज रहे, 5:30 हो गए मतलब। तो कुछ ऐसा वेदर हो रहा है पहाड़ों का। तो दोस्तों सीधे मिल रही हूँ मैं आपको घर में, और घर आके मैंने अभी कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए हैं। तो जैसे ही आई रोज की तरह, प्राची आज कुछ अलग कर रही थी, और दिन आप देखते हैं होमवर्क कर दिया ना, तो आज ये कुछ अलग कर रही है। तो देखते हैं क्या कर रही है। ऐसे क्या कर रही, बुनाई, ये नीटिंग का काम कर रही है, सीख रही है, दिखा दो थोड़ा आगे। अभी तो कुछ क्या बना रही है ये, और मुझे बिल्कुल शौक नहीं है सच में, मुझे आता भी नहीं है ये बनाना। पर प्राची, प्राची क्या बना रही है ये? मैं तो अभी ऐसे बस ट्राई कर रही हूँ, अभी बना तो कुछ नहीं रही हूँ, बस सीख रही हूँ। क्या कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मुझे आता भी नहीं, और वो भी हो जाता है। और आज प्राची के टेस्ट कंप्लीट हो गए, मतलब इसके चल रहे थे ना टेस्ट, तो चल रहे थे आज साइंस का था। हाँ कैसा रहा फिर? अच्छा। हाँ तो प्राची का चल रहा है यहाँ पे नीटिंग का काम, और दिन लगे रहती थी मेरे आने तक, या सोई रहेगी या फिर होमवर्क वगैरह करती थी। तो आज कुछ स्पेशल कर रही है, मतलब ये नीटिंग का कर रही है। ठीक है, लड़कियों को आना भी चाहिए, पर मुझे नहीं आता। हाँ और इसका तो मुझे बिल्कुल शौक भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं। और अभी मेरे को हाथ से जो मतलब ऐसे नीटिंग वाली जो स्वेटरें होती है वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पर पता नहीं क्यों अंदर से शौक ही नहीं है। मतलब थोड़ा खाली सीख घुमाना आता है, बाकी मुझे कुछ नहीं आता है इसमें, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है इसको सीखने के लिए। पर प्राची का है, कभी मोबाइल कवर बनाती है, बनाया था ना पिछली बार। हाँ तो पिछली बार प्राची ने जब वो छोटे वाले मोबाइल कवर होते थे, मतलब छोटे वाले जो मोबाइल होते थे ना कीपैड वाले, तो प्राची उनके कवर भी बना देती थी इससे। और एक बार सॉक्स भी बनाया। हाँ सॉक्स से ट्राई किया था इसने, पर मेरी तरफ से ये सब जीरो है और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये लगी है अपने काम पे। तो अब हम थोड़ा, मैं पानी वानी पी के मतलब थोड़ा चाय वाय पीती हूँ। पर ऐसे हो रहा है यार आजकल, मतलब ब्लॉग भी ऐसे हो रहे ना कि क्या ही बनाने वाला जैसा, क्योंकि एक तो तबीयत सही नहीं हो रही है, और मतलब पहाड़ों में तो इतना वायरल चल रहा है, इतना वायरल चल रहा है, यहाँ तक कि हल्द्वानी में भी। मतलब आज तो जिया से बात हुई थी, तो उसकी तबीयत खराब हो रही है, मेरी बहन की तबीयत खराब हो रही है, मतलब बच्चों की भी ना ऐसे तबीयत खराब हो रही। तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था मेरा ब्लॉग बनाने में भी ऐसे कि क्या बनाए जैसा हो रहा था। पर ये था कि दो दिन से ऐसे गैप हो रहा था, तो फिर मेरे को एक मन हो रहा था कि स्टार्ट करूं नहीं करूं, स्टार्ट करूं नहीं करूं, बस ऐसे ही थोड़ा सा सस्पेंस में मैं भी मतलब कुछ ऐसे ही बना हुआ था। तो अभी देखते हैं एक दो दिन में मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा जब, तो थोड़ा सा मैं इधर उधर जाऊंगी ना, तो फिर थोड़ा सा अच्छे व्लॉग आएंगे आपके लिए। और आजकल मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि या तो व्लॉग अच्छे नहीं बन रहे या फिर आप लोग नहीं देख रहे हो, बस ऐसे ऐसे कुछ कुछ हो रहा है। तो फिर मैं भी चेंज वगैरह कर लेती हूँ कपड़े, और बस वही रहती है ना शाम की टेंशन की क्या खाना बनाया है, खाने की भी एक टेंशन है। पर आज मैंने टाइम पर आके मतलब ऐसे देख लिया था, एक कद्दू लगा था तो वो तोड़ लिया मैंने, तो उसकी सब्जी बनाएंगे, शाम की जुगाड़ भी करनी हुई। और फिर आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, प्राची भी लगी है अपने काम पर, और तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर बाय बाय, और ब्लॉग पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप जो भी नए जुड़े हैं तो आप मेरे पीछे वाले ब्लॉग को देखें, क्योंकि जो लोग मेरे पहले से जुड़े हैं, मतलब ऐसा नहीं कह रही कि एकदम से ग्रो हो गया, मतलब बहुत स्लो है मेरा चैनल मुझे पता है, और मतलब मुझे इतना ग्रो भी नहीं करना है, स्लो है ठीक है। मतलब जो मैं दिखाना चाहती हूँ, मतलब मैं मतलब जो पहाड़ी लाइफ स्टाइल है उसको एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मतलब करती हूँ उन ब्लॉग्स में। तो आई होप कि आपको पसंद आते होंगे। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।